मैं शेफ जयश्री पैनासोनिक कुकिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। पैनासोनिक के माइक्रोवेव में हम आज बनाएंगे पनीर चिल्ली। पनीर चिल्ली बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें लगती है आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिया है 200 ग्राम पनीर, 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, ऑयल, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक मिर्ची की पेस्ट, काली मिर्च पाउडर। सॉस बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे टोमेटो सॉस, सेजवान सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर। सब्जियों में मैंने लिया है कैप्सिकम, एक चौरस टुकड़ों में काटा हुआ कैप्सिकम मर्च लिया है, ऑनियन लिया है, स्प्रिंग ऑनियन है और कटी हुई हरी मिर्च है। तो आइए हम शुरू करते हैं पनीर चिल्ली बनाना। पहले हम पनीर को मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पनीर को एक ग्लास बाउल में ले लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं, सॉल्ट, काली मिर्च पाउडर। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। मैरिनेट करे हुए पनीर को, मसाला पनीर को हम एक बेकिंग डिश में रख देंगे। स्टैंड रखेंगे, डिश ओवर में रखकर ग्रिल मोड, सात मिनट का टाइम सेट करें और स्टार्ट करें। ग्रिल करने के लिए हम लोगों ने जो टाइम सेट किया था वो अभी खत्म होने को है। आइए चेक करते हैं हमारा ग्रिल हुआ है या नहीं। पनीर हमारा बहुत ही अच्छे से ग्रिल हो चुका है। पनीर चिल्ली के लिए हम सॉस बनाना शुरू करते हैं। दो टेबलस्पून ऑयल, इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम मिर्च, ऑनियन, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक मिर्ची की पेस्ट, इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर हम इसको माइक्रोवेव मोड पर
कुक कर लेंगे। माइक्रो पावर मोड, पावर 100, 2 मिनट का टाइम, स्टार्ट। सब्जियां जो हमने कुक करने के लिए रखी थी वो 2 मिनट में पार्शियली कुक हो चुकी है। अब हम इसमें अलग अलग तरह के सॉस ऐड करेंगे। रेड चिली सॉस, सेजवान सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, विनेगर। इसके अलावा जो भी सूखे मसाले हमें ऐड करने हैं वो भी हम इसी साथ में ऐड कर देंगे। काली मिर्च पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर माइक्रोवेव मोड पर 1 मिनट के लिए रख देंगे। माइक्रो पावर मोड, पावर 100, 1 मिनट, स्टार्ट। हमने जो टाइम सेट किया था 1 मिनट का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो पनीर हमने ग्रिल करके रखा है वो, और मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर के साथ पानी मिक्स करके स्लरी बनाई है, वो स्लरी भी मैं इसमें साथ में ऐड कर दूंगी। हम इसको माइक्रोवेव मोड पर 1 मिनट के लिए रख देंगे। पनीर चिल्ली बनकर हमारा रेडी है। पनीर चिल्ली को मैंने एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है और हम इसको अब स्प्रिंग ऑनियन से गार्निशिंग करेंगे। तो गर्मा गर्म पनीर चिल्ली रेडी हो गया है। पैनासोनिक।